तो दोस्तों इस टाइम एंड्रॉयड यूजर्स के साथ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही है जब भी वो अपने एंड्रॉयड को चला रहे थे तो चलाते चलाते उनकी स्क्रीन जो है एकदम से व्हाइट हो जाती तो ऐसे में कुछ टाइम के लिए फिर वो व्हाइट रहती है जब वो अपने लॉक को ऑफ करते हैं तो ऑफ करने के बाद जब ऑन करते हैं तो उनका फोन वापस से ठीक हो जाता है तो चलाते चलाते उनको फिर वही प्रॉब्लम देखने को मिलती है यानी कि उनकी स्क्रीन बार बार जो है वाइट हो रही है तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा चाहे आपके पास कोई सा मोबाइल फोन क्यों सैमसंग रियलमी ओपो वीवो टेक्नो इनफेक्स कोई सा फोन के हो तो अगर आपके मोबाइल फोन में भी ये प्रॉब्लम आ रही है जब भी आप अपने मोबाइल फोन को चला रहे हैं तो चलाते चलाते

सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि आपका मोबाइल फोन कहीं आपको अपडेट तो नहीं होगा तो दोस्तों का प्रोसेसर ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता यानी कि आपके मोबाइल फोन का प्रोसेसर अच्छे से लोड नहीं उठा पाता तो आपका मोबाइल फोन क्योंकि आपको अपडेट मांग रहा होता तो ऐसे में आपने किया नहीं होता तो से भी आपके मोबाइल फोन की डिस्प्ले व्हाइट हो सकती है तो पहली सेटिंग आपको यही करनी आपको अपने मोबाइल फोन को अपडेट कर लेना जैसे आप दिखा रहे मेरा पहले अपने मोबाइल फोन अपडेट कर लेना तो आ गई सेटिंग नंबर तो दूसरी सेटिंग करनी है आपको अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है तो ध्यान रहे यहां पर मैं आपको प्ले स्टोर पर किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं बस आपको सेटिंग को देखते जाना है जो मैं सेटिंग कर रहा हूं तो आपको भी ठीक ही सेटिंग करनी है तो आपको अपने मोबाइल फोन में दूसरी सेटिंग में प्ले स्टोर को ओपन कर देना है तो जैसे ही अप अपने प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो ध्यान से देखना जो जो मैं आपको सेटिंग बता रहा हूं तो सबसे पहले आपको यहां पर सर्च वाले आइकन पर सर्च करना होगा ए डी ओ एंड्रॉइड सिस्टम एस वाई एस ने आपको एंड्रॉइड सिस्टम लिख के सर्च कर देना तो जैसे ही आप एंड्रॉइड सिस्टम लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने एक आ जाएगा ऐप ऑटो एंड्रॉइड का यानी कि एंड्रॉइड ऑटो का तो आपको एंड्रॉइड ऑटो पर क्लिक करना है तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि यह ऐप आपको कहीं अपडेट तो नहीं मांग रहे जैसे क्या देख मुझे अपडेट मांग रहे हैं तो सबसे पहले मुझे क्या करना है मुझे इस ऐप को अपडेट लगा देना तो, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है आपको इस ऐप को अपडेट करना है जैसे क्या देख रहे मेरा हंड्रेड परसेंट हो गया ये मेरा यहाँ पर अपडेट हो चुका है थोड़ा आपको वेट करने देखिए इंस्टॉल हो रहा है तो पहला प्रोसेस आपको पहली सेटिंग यही करनी आपको एंड्रॉइड ऑटो को अपडेट कर लेना जैसे क्या देख रहे हैं मुझे अपडेट मांग रहा था तो मैंने यहाँ पर अपडेट कर लिया तो आपको सबसे पहले इस ऐप अप को अपडेट कर लेना तो यही सेटिंग नंबर फर्स्ट अब ये बैकग्राउंड में हमें अपडेट होता रहेगा क्योंकि हमने अपडेट लगा दिया तो सेटिंग नंबर फर्स्ट अब आपको अपने वाइफ में दूसरी बार यहाँ पर सर्च करना है आपको लिखना है सी ए डबल आर आई ई आर कैरियर आपको कैरियर सर्विस लिख के सर्च करना है तो जैसे ही आप कैरियर सर्विस लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने दूसरी आ जाएगी प्ले स्टोर की तरफ आ जाएगा कैरियर सर्विस तो आपको इस कैरियर सर्विस को भी चेक करना है कहीं ये भी आपको अपडेट तो नहीं मांग मांगे जैसे कि आदमी मुझे अपडेट नहीं मांगने मुझे डायरेक्ट से इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है तो अगर अपडेट होगा तो अपडेट के आइकन पर हम क्लिक करके इसको भी अपडेट कर लेते हो आगे सेटिंग नंबर सेकंड अब आपको अपने वॉल्यू में थर्ड सेटिंग करनी यहाँ पर आपको वापस से सर्च वाले आइकन पर सर्च करना है इसको हम कट कर देंगे पी एच ओ एन ई फोन बाई डबल ओ जी एल इोन बाई गूगल लिख के आपको सर्च करना है तो जैसे आप फोन गूगल लिख के सर्च करेंगे तो दूसरा आ जाएगा फोन बाई गूगल तो आपको इस पर भी क्लिक करना है तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी क्या मांग रहा है इंस्टॉल यानी कि ये ऐप भी हमें अपडेट है तो आपको जो अपडेट मांग रहा है उसको अपडेट कर लेना ये तीन एप ध्यान रहे तो इन, इन तीन रहेप्स को जैसे आप यहां से अपडेट कर लेंगे तो अपडेट करने के बाद आपको बैक करना है तो ये आगे सेटिंग या फर्स्ट अब आपको अपने मोबाइल फोन में लास्ट एंड फाइनल सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स को ओपन करना है तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो आपके सामने एस इंटरफेस निकल के आ जाएगा तो यहां पर आपको स्क्रोल करना है तो जैसे ही आप स्क्रोल करेंगे तो यहां पर आपको अपने फोन में एप्स निकालना ध्यान रहे है। आप मेरे पास एक रियल का डिवाइस है तो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है यहाँ पर क्या दिखा रहा है है ऐप मैनेजमेंट हो सकता आपके मोबाइल फोन में मैनेजमेंट ऐप 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 या लिस्ट का आइकन दिख रहा हो तो कहने का मतलब है आपको अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्स को निकाल के लाना है तो जैसे ही आप भी अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्स निकालेंगे तो आपके सामने भी कुछ इस तरीका का इंटरफेस निकल के आ जाएगा तो यहाँ पर आपको राइट साइड पर टॉप पर थ्री डॉट्स के आइकन पर क्लिक करके शो शो ऑल या सिस्टम के आइकन पर क्लिक करना तो आपके सामने सारा आपके मोबाइल फोन का बायोडाटा निकल के आ जाएगा तो सबसे पहले पर आपको है आपको ऑटो एंड्रॉइड लिखा होगा ऑटो तो आपको इस पर क्लिक

यू आपको सिस्टम यू लिख के सर्च करना तो तो है तो आपके सामने सिस्टम यू आई तो आपको सिस्टम यू पर क्लिक करना है तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फोर फोर्ट के आइकन पर क्लिक करके आपको ओके कर देना है स्टोरेज यूज पर क्लिक करेंगे तो आपको क्लियर के चीज करना तो आपको क्लियर डेटा नहीं दिखाएगा आपको सिर्फ क्लियर के चीज चीजें क्लियर के चीज कर देना इतनी सेटिंग करेंगे आपको बैक आ जाना तो जैसे ही आप बैक आकर अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पाएंगे अब आप अपने मोबाइल फोन में कुछ भी कर लें आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन वाइट नहीं होने वाली है तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप भी जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ये छोटी सी इफॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना बोले थैंक यू